Hey guys, welcome to a new vlog. तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से और मैं जा रहा हूँ आज शादी में, मेरे चाचू की शादी है। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि भाई आज जो बारात जाएगी ना वो जा रही है हिमाचल से सीधा मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश तक जा रही है बारात और ये सब अभी तक की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रिप भी रहने वाली है। और इतना दूर मैं घर से पहली बार जा रहा हूँ और ऊपर से बारात में जा रहा हूँ भाई मैं शादी में। तो भाई अभी मैं अपने घर पे हूँ और देखो बढ़िया तैयार हो गया और मम्मी पापा भी तैयार हो गए। और देखो अंशु बढ़िया फोटो शूट कर रहा है। देखो मैंने और अंशु ने ना सेम सा कुर्ता डाला है। देखो आज तक कैसे लग रहे भाई कमेंट में बताना। सब सुंदर बढ़िया तैयार हो गए हैं लेकिन भाई मौसम ना थोड़ा सा खराब है यहाँ पे। बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से शादी के लिए। तो मम्मी कैसे लग रही है भाई? मम्मी ने बढ़िया ये लगाया हुआ परांदा वगैरह पता नहीं क्या क्या। कौन दे रहा है पैसे? माता। मेरे को भी दे दो। दादा आपने कब होना तैयार? लोग इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। और ये देखो ये है मतलब यहाँ पे हमारे ट्रेडिशन मतलब ऐसे होता है कि बाजे वगैरह बजवाते हैं। यहाँ बजाने से पहले ना यहाँ इनको इनकी पूजा कर रहे हैं अभी जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना ये म्यूजिक के। अभी साथ में चलिए यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया। देखो अभी पूरा मतलब यहाँ पे जो वो म्यूजिक सिस्टम है भाई। देखो शादी ये जो पार घर दिख रहा है देखो अभी ना तरपाल बिछा दिया है बारिश की वजह से। अब निकल गए गांव के छोटे छोटे रास्तों से तो सड़क के पास पहुंच गए। और देखो आधे लोग ना यहाँ पे पहले से आए हुए थे वो देखो आके बैठे हुए थे। मिलना जुलना सबका सारे लोग इकट्ठे हुए ना आज बड़े दिन बाद इसलिए हम देखो बेचारे चले हुए पैदल। और इसको देखो ये बढ़िया आ रहा है बुआ के साथ बाइक पे। आराम से जाइयो। तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग। और देखो पीछे देखो इतने सारे लोग इकट्ठा हो गया। देखो पीछे आपको दिख रहे होंगे और ये आगे बाजू वाले चले हुए। चाचू एक्साइटेड है जाने के लिए MP? देखो फाइनली पहुंच गए। नाक में टिक्का लगा दिया भाई मेरे। भाई देखो पापा क्या मस्त नाच रहे हैं। जाके म्यूजिक बंद हुए। और देखो भाई हालत हमारी नाच नाच के क्यों जा चुके ना थक गया ना। ये मिली हमारे को रिफ्रेशमेंट यहाँ पे। क्या हो रहा है ये जिन्हें पड़ रहा है? ये देखो चाचू और बढ़िया भिक्षा मांग रहे हैं जिन्हें वो डर रहा है क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे देखो गांव के। देखो शादी में ना हमारा कुछ काम होता नहीं है हर बार की तरह। मतलब आते हैं बहुत एक्साइटमेंट में पर ऐसा की बोर हो जाते हैं। क्या नीचे नाच गाना चला है। चाचू का फोटोशूट मस्त चला हुआ है। और भाई हम बोर हो रहे हैं और बस सोच रहे हैं कब जैसे निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए फिर वहाँ से MP। क्या करें तुम लोग? मस्ती। जो कुछ चाचू क्या लगते हैं आपके पापा? झूठ। आप उनके पापा? अगर मैं उनके पापा लगती तो मैं कोई लड़की को बनाया था ना। नहीं नहीं पर आप हो पापा। जो मेन चीज है वो है खाना। हम लोग आते भाई शादी में खाना खाने। और तो हमारा कुछ काम नहीं यार। नहीं यार तू कितना काम करता है यार। तू सारा काम तूने किया यार। मतलब स्ट्रगल दिखा रहे चाचू मेरा। अभी गिलास धोने को है बर्तन धोने को है डिस्पोजल चाचू डिस्पोजल भी धुलाओगे आप। हाथ धोने के लिए मस्त आ गया यहाँ पे। देखो पत्तल एकदम काय की बनी है पर नाम भूल गया उसका। काय की पत्तल है टोर है ना टॉर के पत्तों की। पनीर का एक दाना भी नहीं मिला मेरे को। एक दाना भी नहीं भाई। देखो मटर यार देखो चाचू ये मटर का एक दाना नहीं है। क्या हो रहा है स्कैम ही हो रहा है। अभी बढ़िया खाना वगैरह खा के अभी बिल्कुल पैक हो गए हैं। और भाई अभी शाम के बज रहे हैं चार पाँच बजने वाले हैं। तो यार अभी बस वेट है कि अब कब जैसे हम बारात के लिए निकलेंगे। बढ़िया डांस चला यहाँ पे। मेरा शक सही है तो यही वो ट्रैवलर है जिसमें हम दिल्ली तक जाएंगे फिर MP से मेरी ट्रेन है। तो भाई ट्रैवलर पहुंच गई है भाई फाइनली। और अभी बज रहे 6। अंशु आ रहा है अभी नीचे से देखो बाइक पे कितना छोटा सा लग रहा है देखो बस। और अभी इसने शिमला जाना है भाई क्योंकि मैं ही जा रहा हूँ रात में। ये ले तेरा खाना भाई। मिस करूंगा यार मैं अपनी बाइक को 3-4 दिन के लिए। सो भाई मतलब 16 तारीख को बारात आएगी तो ये 16 को ही आएगा अंशु सीधा। और बस अभी हम निकलने वाले थोड़ी देर में। बाय बाय। चलो चाचू अब हम तैयार होते हैं बारात जाने वाली है और मैं भी फटाफट से तैयार हो जाता हूँ। देखो मैं और माता बैठे हुए यहाँ पे। माता फिर क्या लगता है आपको क्या होगा वहाँ पे? गर्मी होगी बहुत। गर्मी होगी ना। इतना सारा सामान ले जा रहा हूँ मैं वहाँ पे ड्रेस वगैरह है भाई इसमें कोट वगैरह। ये चक्कर हो ये धीरो ने मेरे को टोपी लगाने को। और ना भाई देखो इस आउटफिट के साथ ना ये टोपी इतनी अजीब सी लग रही है ना। यहाँ पे ऐसा माहौल है ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई कि जैसे विदाई हो रही है भाई। यहाँ देखो कैसे यहाँ पे गाना गा चल रहा है। थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं हम लोग। भाई मेरे को ऐसा सबने डांट रहे कि तूने ऐसे कपड़े और जूते क्यों पहने। ठीक है ना डांट रहे तेरे को। ठीक है माता। हां ठीक है माता नहीं बोलते तो ठीक है बस तो सब कुछ ठीक है। तो सारे बराती जो भी जा रहे हैं जिनके सर पे टोपियां नजर आ रही है। हां सीट सीट क्या है HRTC में थोड़ा जा रहा हूं। ठीक है मैं ट्रैवलर बैठ गया हूं। मैंने सीट अपनी बुक कर ली है। अब बस बारात एकदम जाने के लिए रेडी है। ठीक है दादा क्या बोल रहे पापा? ठीक है मैं कर लूंगा। मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी शादी दिखाऊंगा आपको टेंशन नहीं लो।
दादा ने मेरे को 500 रुपए दे दिए। थैंक यू। सब लोगों को इतनी टेंशन हो रही है ना, मैं तो कुछ सब पूछ रहे हैं पानी की बोतल है या नहीं है। और भाई हम ना अंदर पूरे पैक हो गए हैं। दादा ने स्पेशल आया मेरे को पानी की बोतल देने यार बेचारे। अब हम जा रहे हैं बारात के लिए निकल गए हैं। ठीक है भाई। और भाई बेचारे शंकी चाचू को पीछे। शंकी चाचू ठीक है ना? मजा आ रहा है। अभी देखो सब लोग बहुत एक्साइटेड है शादी के लिए। और भाई बहुत दूर जाना भाई, मध्य प्रदेश में उमरिया। हाँ बोला उमरिया। इट्स उमरिया। उमरिया पता नहीं कौन सी जगह है भाई। देखो DID से आए भाई बंदे, डांस इंडिया डांस से। भाई इशू को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं भाई हम लोग। बंदों की लाइट है। अभी हमने गाना लगा दिया आप पे। अभी रुके हैं कुछ ब्रेक के लिए और अब हम निकल गए अपने ट्रैवलर से। आगे मैं बैठता हूँ। भूख लग रही है यार। अब इतना बड़ा नमकीन मिला अभी हमारे खाने को। देखो अभी पार्टी चल रही है बढ़िया। अरे नमकीन दो भाई। ये लो ये लो भाई नमकीन लो। अभी देखो चाचू कैसे नाच रहे थे और देखो सो गए भाई ये लोग। अब सब थक गए और बस ये वाले चाचू बस जिनमें अभी है हिम्मत। और अभी हम चंडीगढ़ से आगे पहुंच गए और अभी दिल्ली पहुंच रहा है भाई। और आंखें ना बिल्कुल बंद हो रही है, नींद आ रही है। जब जाके हम ना अम्बाला से आके आ गए और मैं अभी सो के उठाऊंगा आपको लगेगा पता। देखो यहाँ अभी चाय पानी के लिए रुके। रात के 2 बजे हम चाय पी रहे हैं पे टपरी पे। यहाँ पे रात को 2 बजे चाय मिलती है क्यों है ना। सुबह के 4 बज चुके हैं और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और अभी भी हम दिल्ली नहीं पहुँचे भाई बस। सो गुड मॉर्निंग गाइस यार, ये है 13 तारीख की सुबह और अभी हम दिल्ली बस पहुँचने वाले हैं और 6 बज चुके हैं। अब मैं पूरी तरीके से चेक किया भाई। पुराने जो डिजाइन सारा कूड़ा है ना भाई यहाँ पे, जो पूरे कूड़े की कैनाल दिख रही है। दिल्ली में पहाड़ और ये पहाड़ पता किस चीज़ का है? कूड़े का भाई, कचरे का। ये भाई देखो यहाँ लाल किला अंदर ना एक पेड़ है अशोक ने लगवाया था बोले आम का, और उसमें एक ही आम आ सकता है साल का और वो राष्ट्रपति को ही लगता है। ये देखो वो रेलवे स्टेशन जहाँ से अभी हमारे को ट्रेन मिलने वाली है हमारी। और भाई ना सब लोगों ने पहले स्टेशन में अपने बैग वगैरह संभाल के रखना, फोन वगैरह। फाइनली भाई 12 घंटे के सफर के बाद अब हम लोग उतर गए इस ट्रैवलर से। दिल्ली का ट्रैफिक देखो हर बार की तरह जैसा सुनने में आता है वैसा ही ट्रैफिक है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम है भाई ऐसे चेकिंग पे मेरा बैग जा रहा है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं स्टेशन और सच में लिटरली बोलता हूँ मैंने मूवीज में देखा था इससे पहले। बहुत अजीब से लगता है एकदम पैर रखो ना मतलब ऐसा लगता फंस ना जाए पैर यार। ये बहुत अजीब है बेचारे दादा यार कन्फ्यूज हो गए। ओ भाई कैसा लग रहा है आपको पहला एक्सपीरियंस? नहीं मैं तो पहले भी चला हूँ। पहले चले हो तब तो ठीक है भाई। 11 बजे की ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी हम मतलब यहाँ पे 1-2 घंटा भी यहीं बैठेंगे एसी वाले मतलब यहाँ वेटिंग रूम में। और अच्छा है ये ब्रेकफास्ट कर लो ब्रेकफास्ट ये भी अचार भी। अब कर रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट बढ़िया। मैंने तो अभी एक वीडियो बना दी स्केच की बढ़िया। अब देखो जो कुछ आज स्केच बना रहे शंकी चाचू का और तो देखते हैं इनका कैसा प्रोग्रेस क्या है। नाक तो ठीक है दिखाओ इनकी नाक देखो। बाल बाल मत बना बोला। अभी एक सीन हो गया यार अभी हमारी ट्रेन ना 11 बजे की थी बट ना वो थोड़ी डिले हो गई है थोड़ी जगह। अब 1 बजे जा रही है और मैं और चाचू ना बोर हो रहे भाई यहाँ पे कि अब क्या करें यार। देखते किसका स्केच बनाते हैं बाहर जाके बट यार ये गलत सीन हो गया कि यार हमारी ट्रेन डिले हो गई थोड़ी। भाई देखो ट्रेन इतनी सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें वेट करते करते देखो सबकी हालत कैसी हो गई है। सब ना एकदम देखो थक गए हैं सब सोए हुए हैं क्योंकि ना हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है यार कर रहे हैं। और बाकी मैं अभी स्केच बना रहा हूँ यहाँ पे 2-3 घंटे का वेट करके फाइनली अब हम लंच करने वाले हैं। और अभी तक ना भाई लूडो खेल रहे थे। ये भाई हमारा लंच है लो चाचू पकड़ो। तो भाई लंच हो गया और बस अब तैयारी है जाने की। अब जा रहे हैं हम इतना यहाँ पे पूरा दिन यहीं पे लगा के। खुशी मिल रही है भाई अब यहाँ से निकल के कि बहुत ही जल्दी हम लोग निकल गए उस एसी वाले कमरे से। और अब देखो सबकी हालत पसीने से ना भाई देखो पूरा पूरी गर्मी से पागल हो गया सारे। वो एक बार शक्लें देखो भाई सबकी यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन देखो। 69 फाइनली हमारी ट्रेन आ गई यहाँ दिल्ली से MP के लिए। ओ भाई चलो 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 रुक ही नहीं रही भाई ये ट्रेन तो रुक जा जय माता चलो 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 जय माता की। ओ भाई मेरा था 59। ये कैसे सोएंगे हम यहाँ पे ये क्या सिस्टम है। 59 चेतन नगर ऊपर सबसे ऊपर। ये देखो मैं आ गया अपने बेड पे और ये मिला भाई मेरे को बेड देखो ऊपर वाला सब लोग नीचे और मैं तीसरी उस पे हूं। स्कूल टाइम में भी ना हॉस्टल में मैं अपर डेक पर भी होता था बस इसमें ना ऐसे खड़े नहीं हो जा रहा सिर बज रहा है ऊपर। चाचू मजा आ रहा है चाचू यहाँ बैठ के
फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी भाई। ये देखो मस्त, देखो ट्रेन चल रही है। वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, पहली बार जा रहा हूँ ऐसी ट्रेन में और भाई मज़ा आ रहा है। ऊपर वाली सीट मिली है मस्त एकदम। 4 बज रहे हैं शाम के और ना भाई आपको पता है कल पूरी रात नींद पूरी नहीं है, तो मैं सुन अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ क्योंकि आँखें खुद ही बंद हो रही है। थोड़ी देर की नींद के बाद वीडियो एडिट करने का टाइम आ गया मेरा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा व्यू ट्रेन के बाहर का। क्या गेम चली यहाँ पे सब लोगों की ट्रेन का फुल फायदा, बट यार ट्रेन के बाहर का व्यू देखो कितना सही है। ये चेक करो देखो यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इतने सारे बटन ही बटन लगे हुए हैं और ये बाहर का नज़ारा मस्त मज़ा आ रहा है। पर यहाँ गर्मी और अंदर में बहुत ठंडे एसी की वजह से। सो भाई देखो ये व्यू जो सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ प्लेन्स में, और इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया भाई, यहाँ ताश वालों ने सब तो ताश ही खेल रहे भाई बंदे। डिनर का टाइम हो गया, अभी हम अंतराक्षी खेल रहे थे अपने से गाने मिला रहे हैं और चाचू ना हमने इतने गाने मिला दिए ना। क्या आया लास्ट में ना? अरे फिर से कैसे आ गया? अरे हम हमारे तरफ से गाया इन्होंने, ये तुम्हारे को आया लास्ट में ना? लड़की का अरे अरे क्या बंदा यार हमारी टीम में चाचू आप ढील आ गया जो खाना खा लेते भाई, खाना खाना है ना, डिनर ब्रेक करते उसका कंटिन्यू करते हैं। अरे अरे यही क्यों मिलता है यहाँ पे हमेशा? डिनर वगैरह हमारा हो गया, बस सो रहे हैं। सो जा बेटा, सुबह उतरने की देर है बस, हमारे पास लग रहा है 3 बजे से ज्यादा टाइम ना हो जाए और हम कहीं आगे ना पहुंच जाए। आ जाएगी नीचे नींद अगर रात को मैंने सुसु हमें और भी ऊपर है अब मेरे को यहाँ टेंशन की सिर ना बजे हमारा बस ऊपर ना। तो भाई अभी 2:30 या 3 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे और बस थोड़ी देर की नींद है, उसका दोबारा उठना ही है। गुड मॉर्निंग। और यार अभी चलते चलते ट्रेन से उतरे भाई नींद से, अब देखा जिस चीज़ का डर था वही हुआ, क्यों जा चुका है ना? यस लेट हो गए मां, क्या लेट हो गए, राहत नहीं कुछ सर। भाई अभी सीन हो गया, जो हमारी पंडित जी इनका बैग रह गया भाई, जिसका थोड़ा डर था ना भाई, देखो भैया के ना जूते रह गए अंदर, मतलब लग चुके थे, देखो इनके जूते अंदर ही रह गए, तो मैंने इनको देखो अपनी चप्पलें दे दी और खुद ये वाले जूते पहन लिए। भाई ये दिक्कत होती है ट्रेन में, और हम ना बहुत पहले से ही सोच रहे थे भाई कि ना ऐसा नहीं होगा कि मतलब हम टाइम से जाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए कोई किसी का सामान रह जाए या कोई रह जाए, पर देखो बात वही होगी एट द एंड, एक बैग रह गया और एक जूते रह गए। जूते तो चलो इतने ज़रूरी नहीं थे पर बैग तो थोड़ा ज़रूरी था, देखते क्या करते हुए ऐसा पंगा हो गया। पर अभी देखो हम यहाँ उमरिया पहुँच गए हैं जो हमारा स्टेशन था, अब यहाँ से थोड़ा किलोमीटर जाके हमारा होम स्टे है और बाकी देखते भाई इनके बैग का क्या जुगाड़ लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखिए तो अच्छा वही मैं एक्स्ट्रा शूज़ लाया हुआ हूँ लिटरली, ये देखो इसलिए बोलते हैं भाई एक्स्ट्रा सामान रखना चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो यार इस चीज का मेरे को सबसे ज्यादा वेट था तो मैं फाइनली तैयार हो गया हूं। देखो कुछ लेडीज है और इन्होंने ना कुछ सिर पे उठाया है और एकदम सीन देखो एकदम फिल्मी सीन चल रहा है। मैं भी सोच रहा हूं मैं कि मध्य प्रदेश में नाटी कैसे चलवाऊं मैं।